दोजराई को सिकंदरा राव के फोररई गांव में भोले बाबा के सत्संग के दौरान हुई भगदड़ हादसे के बाद भी बाबा के प्रति लोगों की आस्था में कोई कमी नहीं आई। मंगलवार को बाबा के आश्रमों में भक्तों की भीड़ देखने को मिली। मंगलवार के दिन साकार विश्व हरि के आश्रमों में सत्संग होता है। हादसे के बाद पहले मंगलवार को भी बाबा के भक्त सत्संग के लिए बाबा के केदारनगर स्थित घर पर पहुंचे थे। 2 जुलाई दिन मंगलवार हाथरस सिकंदराव का फुल रही जीटी रोड किनारे हरि नारायण साकार भोले बाबा का सत्संग चल रहा था। सत्संग समाप्त होता है उसके बाद भगदड़ ऐसी मचती है तमाम लोगों की जानें चली जाती हैं। धूली लेने के चलते भगदड़ मची। हालांकि इसे एक साजिश बताया जा रहा है कि कुछ लोगों की साजिश उसमें रही जिसके चलते इतने लोगों की जान चली गई, भगदड़ हो गई। दो जुलाई मंगलवार को हाथरस सिकंदरा राव फुलरई जीटी रोड किनारे जो कुछ हुआ उसे सब ने देखा। इस घटना ने सभी को झकझोर कर रख दिया था। दो जुलाई मंगलवार को हाथरस सिकंदराव फुलरई में हरि नारायण साकार भोले बाबा का सत्संग था। सत्संग खत्म हुआ था, बाबा जा रहे थे। बाबा के जाने के बाद ऐसी भगदड़ मची जिसने बाबा के भक्तों को मौत की नींद सुला दिया। किसी ने बेटा खोया, किसी ने बेटी खोई, किसी ने माँ खोई, किसी ने पत्नी खोई, किसी ने पति खो दिया। भगदड़ की इस घटना ने सभी को झकझोर कर रख दिया था, सभी को हिला कर रख दिया था। सवाल तमाम सारे सत्संग पर उठना शुरू हो गए। मंगलवार का दिन हरि नारायण साकार भोले बाबा के भक्तों के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। यही वजह थी कि मंगलवार को हाथरस में भी सत्संग था। मंगलवार को ही सभी जगह सत्संग होता है। 9 जुलाई मंगलवार को आगरा में हरि नारायण साकार भोले बाबा की कुटिया पर बड़ी संख्या में भक्त पहुंचे, भक्त नमन कर रहे थे। देखिए किस तरीके से भोले बाबा के भक्त कुटिया पर पहुंचते हैं, माथा टेकते हैं, हाथ जोड़ते हैं और चले जाते हैं, किसी से कुछ कहते नहीं है। बाबा के भक्तों से बात की गई, बाबा के भक्तों में आस्था की कोई कमी नहीं है। देखिए क्या कहते हैं हरि नारायण साकार के भक्त। हाँ, नमन होता है मालिक का सुख शांति के लिए। हाँ, सुख शांति के लिए कुछ चमत्कार नहीं, बाबा सुख शांति देते हैं, घर में सुख शांति है। किसी की निंदा मत करो, किसी की चुगली मत करो। हाँ, सबसे मानव मानव से प्यार करो। हाँ, हम तो आते हैं, हर मंगल आते हम तो पूरा जीवन दिया है उन्होंने, हमें मौत के मुँह से निकाला है कई कई बार। एक बार 3 डॉक्टर नर्सियों में से लौटा दी थी, कैंसर बता दिया। मैं सत्य के साथ करती रही, सत्य बिल्कुल गायब है, वो मालूम ही नहीं पड़ी कहाँ हो कैंसर। अभी की बात है, 2-3 साल हो गई, गिर गई सी नाले थे, बहुत बीमार हो गई। जब भी 2 नर्सियों में से निकाल दी थी, कह दी पूरे शरीर में सेप्टिंग फैल गई है, ये नहीं बचेगी। अब भी हम खड़े हैं उन्हीं की बदौलत से। हाँ, हाथरस में हरि नारायण सत्संग के दौरान जो कुछ हुआ उसने सभी को हिलाकर रख दिया। सरकार एक्शन मोड पर है, विपक्ष काफी हद तक मौन है। उन्होंने का वचन आया कि इनका पति को मर गया, रो रो के आंखें ने फोड़ लंगी, तो इनका पालन पोषण कौन करेगा। उसी दिन से हम जुड़ गए उनकी कृपा से, बेटी की शादी, घर पे रिश्ता आ गया। प्रभु ने इतना मैं कार्य करती रही, लेकिन किसी संसार को नहीं बताया मैंने। कार्य करती रही जो करना है करनी, यहाँ तक मैंने अपने भाइयों को नहीं बताया। डंके की चोट पर कहती हूँ मैं तो, डंके पे जी जान होगा, जब तक प्राण रहेंगे परमात्मा के चरणों से जुदा नहीं होंगी। आस्था ये है, ये हमारे नारायण साकार जी का दरबार है, यहाँ हम नमन करने आते हैं, माता टेकने आते हैं। हमारे मन को यहाँ संतुष्टि मिलती है नमन करने से, इसलिए नमन करने के आते हैं। देखिए हादसे में ऐसी बात है, हादसे वाली बात तो ये एक ये दुर्घटना है, इसमें एक ऐसी साजिश रची गई थी, कुछ षड्यंत्र रचाया गया था लोगों का, जो कि नारायण हरि पर उंगली उठाने वाली बात थी। जो इस तरीके से एक षड्यंत्र कुछ लोगों ने रचाया है, क्योंकि कुछ बहन भाइयों ने देखा भी है वहाँ, जो ये हादसा होते हुए देखा भी है। और मैं तो नहीं गया पाया, मैं वैसे जाता हूँ, मगर उस दिन मैं नहीं जा पाया।
मगर मेरी कुछ मिलने वाले थे लोग थे, उनसे मेरी जानकारी हुई। उन लोगों ने ये बताया था कि वहाँ एक षड्यंत्र कुछ भाई थे जो कि सत्संग में नहीं आते थे, उन्होंने बहनों को गर्दन पकड़ पकड़ के दोचा भी था और गड्ढे में भी फेंका था। इस तरीके से षड्यंत्र रचाया गया था। ये कोई एक हादसा बनाया है, ना कि नारायण हरि की कोई गलती है, क्योंकि नारायण हरि प्रवचन देके अपने रास्ते से अलग चले जाते हैं और संगत का रास्ता अलग होता है। ये जो बातें बनाई जा रही हैं, चरण छूने भागे थे, ये कुछ हुआ था, ये सब बकवास है, सब फेक है, सिर्फ बातें बनाई जा रही हैं। ये अब सवाल ये उठता है, आखिर बाबा के भक्तों में आस्था की कोई कमी क्यों नहीं आई? इसके पीछे क्या है? कौन सी ऐसी वजह है इसके चलते बाबा के भक्त आज भी बाबा के साथ खड़े हैं, बाबा की ढाल, बाबा के भक्त बन गए हैं? हाथरस सिकंदराव फुलराई में हादसा होता है और 121 लोगों की जानें चली जाती है। देश भर में हंगामा मचता है और इस भगदड़ के बाद तमाम सारे सवाल भी खड़े होना शुरू हो गए। लगातार इस पर चर्चा बनी हुई है। बाबा में ऐसा क्या चमत्कार है? क्या वास्तव में बाबा चमत्कार करते हैं, लोगों की मदद करते हैं? आज भी आगरा के केदारनगर में स्थित बाबा की गद्दी पर आने वालों की कोई कमी नहीं है। तमाम लोग मंगलवार को नमन करने के लिए आए, बाबा को नमन किया, बाबा की तारीफ करते, बाबा के भक्त थकते नज़र नहीं आ रहे। बाबा के भक्त कहते हैं बाबा ने उनके संकटों को दूर किया, लेकिन 121 लोगों की जान चली गई। यहीं पर तमाम सारे सवाल खड़े हो जाते हैं। जिन परिवारों ने अपनों को खोआ, देखना होगा कि हरि साकार नारायण बाबा उन परिवारों की क्या कुछ मदद करते हैं, मदद करते हैं या नहीं, क्योंकि बाबा का अच्छा खासा साम्राज्य अब सभी के सामने आ गया है। भक्त कहते हैं कि बाबा उनकी मदद कर रहे हैं। अपने साथी अखिल दुबे के साथ राकेश कनौजिया, सी न्यूज़, आगरा।